इससे पहले भी उनके जो बयानबाजी है वो ज्यादातर ब्लेम द विक्टिम करती हैं, जो विक्टिम्स हैं उन्हीं को ब्लेम करती हैं। महिलाओं के प्रति होने वाले भेदभाव के खिलाफ किसी तरह का कोई वातावरण बनाए वो काम नहीं करती, उल्टा मतलब इस तरह के बयान देती हैं पूर्वाग्रह के आधार पे, जिस तरह की उनकी सोच है बिल्कुल मनुवादी सोच जो है वो इसमें साफ झलक रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा तक और इसमें हमारे साथ अखिल भारतीय जनवादी संघर्ष समिति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जगपति सावंत जी हैं। जी, जिस तरह से भारत जो हरियाणा की जो महिला आयोग की चेयरपर्सन है उन्होंने की विवादित बयान दिया है महिलाओं को रेप को लेकर, जो लड़कियां होटल में जाती हैं फिर नशे की कुछ इस तरह मिलाने की, ये बात कहते हैं कि इस तरह की आम बातें होगी, इस बयान को किस तरह देखते हैं? जो हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन का बयान है लड़कियों को लेके वो होटलों में जाती है फिर रेप का आरोप लगाती है, ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है एक तरह से। और महिला आयोग की चेयरपर्सन का जो रोल बनता है असल में ये उस भावना के विपरीत है। उनका रोल बनता है महिलाओं की और लड़कियों की छवि को ऊंचा उठाना, लेकिन वो ऐसे गैर जिम्मेदार बयानबाजी करके उनकी छवि को गिराने का काम कर रही है एक तरह से। और केवल इसी मामले के अंदर नहीं, पहले भी उन्होंने जो खिलाड़ी लड़की का मामला था हरियाणा के अंदर उसमें भी सबसे पहले वो मंत्री के बचाव में उतर के आई थी और उन्होंने कहा कि लड़की के जो बयान है वो विश्वसनीय नहीं लगते हैं। और इससे पहले भी उनके जो बयानबाजी है वो ज्यादातर ब्लेम द विक्टिम करती हैं, जो विक्टिम्स हैं उन्हीं को ब्लेम करती हैं। उनको ये नहीं पता कि ये महिला आयोग बनाए इसलिए गए हैं कि महिलाओं के प्रति किसी भी तरह का भेदभाव ना हो, किसी तरह की हिंसा ना हो, अत्याचार ना हो, तो इसलिए बनाए गए थे, वो उसको रोकने के लिए है उनका काम जो है। लेकिन हरियाणा के अंदर 27% हिंसा जो है पिछले एक साल में इतनी तेजी के साथ बढ़ी है उसके ऊपर उनका कोई चिंता नहीं है। इसी तरह से पहले भी जो नारे दिए गए हैं यहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के हो या बहुत हुए महिलाओं पर अत्याचार अब लाओ बीजेपी सरकार, तो उनके कहीं लेश मात्र भी दबाव जो है इनके दिमाग पे नजर नहीं आता कि वो उन मसलों को लेके किसी तरह की कोई सेमिनार्स करें, कोई यूनिवर्सिटीज के अंदर कॉलेजेस के अंदर पंचायती स्तर पे जाके इन महिलाओं के प्रति होने वाले भेदभाव के खिलाफ किसी तरह का कोई वातावरण बनाए वो काम नहीं करती, उल्टा मतलब इस तरह के बयान देती हैं। तो हम मांग करते हैं कि ये बयान जो है वो वापस लें और आगे से जो दूसरे महिला आयोग जिस तरह के काम करें, जैसे केरल के महिला आयोग ने अभी सबसे देश में पहली बार एक कन्वेंशन करी है कि खिलाड़ी लड़कियों को खेल में क्या दिक्कतें आ रही हैं, उनको यहाँ पे ये करना चाहिए। हरियाणा खिलाड़ियों का हब है और इतना अच्छा कर रही हैं हमारी खिलाड़ी लड़कियां, उनको इस तरह की कन्वेंशन करनी चाहिए, उनको बुलाना चाहिए, उनको सुनना चाहिए महिलाओं को, ना कि अपनी पूर्वाग्रह के आधार पे जिस तरह की उनकी सोच है बिल्कुल मनुवादी सोच जो है वो इसमें साफ झलक रही है कि आप अपना काम करने की बजाय पल्ला झाड़ने के लिए जो है उन्हीं को आरोपित कर दो जो हिंसा के मतलब शिकार है। जिस तरह से आपने खिलाड़ियों का जिक्र किया तो पिछले दौरान खिलाड़ियों ने दिल्ली में जंतर मंतर प्रदर्शन भी किया था महिला। हाँ, इसी तरह से राष्ट्रीय स्तर पे भी हम देखें इस सरकार के दौरान जो है हमारे देश की जो कुश्ती की आइकॉन्स हैं उन्होंने अपने करियर को दाव के पे लगाते हुए जंतर मंतर पे धरना दिया और ये बात सरकार के नॉलेज में लाई वो कि जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं वो खुद और उनके लगे भग्गे जो है वो लड़कियों के साथ यौन हिंसा करते हैं, वो लड़कियों का उत्पीड़न करते हैं, लेकिन सरकार ने बिल्कुल नहीं सुनी। उन्होंने प्रधानमंत्री को भी बताया, उन्होंने गृह मंत्री को भी बताया, फिर मजबूरों के धरना भी दिया, आज भी सरकार के कान पे जूनी रेंग दी है, उन्होंने एक कमेटी बना दी बस, और वो कमेटी जो है उसको 2 हफ्ते के अंदर अपनी रिपोर्ट देनी थी, लेकिन अब 2 महीने गुजर चुके हैं अभी तक उसने अपनी रिपोर्ट नहीं दी है। और इसका रेसलिंग जो हमारा इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं रेसलिंग के खिलाड़ी उनके खेल करियर के ऊपर इतना गलत असर पड़ रहा है, तो हम ये मांग करते हैं कि वो कमेटी भी अपनी रिपोर्ट दे और जो भी जिम्मेवार लोग हैं इस तरह के उनके खिलाफ कार्रवाइयां की जाए तुरंत, ताकि जो हरियाणा की और देश की लड़कियां और महिलाएं जो है वो गरिमापूर्ण जीवन जी सके। आपने एक बात बताई कि संदीप सिंह मामले में रेणु भाटिया ने सबसे पहले उनके पक्ष में आवाज उठाई थी।
हाँ, जो हमारे यहाँ के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी ने खेल मंत्री के ऊपर जो आरोप लगाए थे यौन हिंसा के, उसमें सबसे पहले ये चेयरपर्सन थी हरियाणा महिला आयोग की, जो उनके डिफेंस में उतर के आई और सबसे पहले इन्होंने लड़की के बयानों को संदिग्ध और संदेहास्पद बनाने की कोशिश की। और उन्होंने कहा कि जो लड़की के बयान है वो विश्वसनीय नहीं लगते, जबकि उन्हीं बयानों के आधार पर चंडीगढ़ पुलिस जो है उसने उन मंत्री के खिलाफ नॉन बेलेबल धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। अभी जो इनकोहेरेंस है उनकी स्टेटमेंट्स के अंदर मंत्री की, उनके खिलाफ अभी लाई डिटेक्टर टेस्ट का भी उन्होंने मांग कर रखी है, जिसको वो फेस कर रहे हैं आज। तो ये इस तरह से मतलब विक्टिम ब्लेमिंग का जो काम कर रही है महिला आयोग की अध्यक्षा जो है, वो मतलब डिजर्व नहीं करती इस पद के लिए। असल में उनको इस बात के ज्ञान ही नहीं है कि उनकी जिम्मेवारी क्या है, ये बार बार झलक रहा है उनके आचरण से। इति जगमती सांगवान, जिस तरह से जो हरियाणा की चेयरपर्सन है महिला आयोग की, तो उन्होंने जो बयान दिया है उस बयान की उन्होंने निंदा की है, उनकी मांग की है कि उस पद से उनको योग्य नहीं है। हरियाणा तक के लिए रोहतक से मैं सुरेंद्र सिंह।